अमर भारती अखबार के पत्रकार वकील में हुई मारपीट, पत्रकार ने वकील और उसके 7 साल के बेटे के खिलाफ लिखवाया मुकदमा, वकीलों ने किया विरोध। अपने आप को अमर भारती का पत्रकार कहने वाले युवक ऋतिक उपाध्याय का एडवोकेट अरुण कुमार शर्मा का हुआ झगड़ा, पत्रकार कहना वो खबर पर गया था तब उसके साथ मारपीट की गई थी, वकील और किसी महिला का विवाद था वह उस खबर पर गया था। पत्रकार ने वकील अरुण शर्मा और उनके बेटे और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखाया मुकदमा, लेकिन इस खबर में अहम ये है कि जो FIR की कॉपी है उसमें अरुण कुमार शर्मा और अरुण कुमार शर्मा के पुत्र नाम न मालूम और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धारा 307, 323, 427, 504, 506 में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अरुण कुमार शर्मा का बेटा 7 साल का है ऐसा वकीलों का कहना है। इसमें जिला मुख्यालय के वकीलों ने काम बंद कर विरोध किया था और कहा ये जो पत्रकार है वो फर्जी है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। ऐसा था, हमारे यहाँ कल कोर्ट का मैटर था, कांग्रेस की फाइल थी, उसमें जो मामा ससुर के कांग्रेस नहीं हुआ था, इसलिए जो है वो महिला यहाँ भी उधम करके गई, फिर बाद में वकील साहब घर पे पहुँची 2-4 लोगों को लेकर के, उनके साथ में फर्जी पत्रकार और था, वो सौरभ उपाध्याय कहते क्या नाम है, वो भी साथ में था, उसके कैमरामैन वगैरह पहुँचे, उसके फ़ोटो वगैरह ले रहे थे घर पे, तो उसी बात को लेके वहाँ पे उन्होंने बदतमीजी करी वकील साहब के साथ में, वहाँ पे हाथापाई करी वकील साहब के साथ में और थाने पर जा गए फर्जी मुकदमा, एक जिसमें जो उनके वकील साहब के 7 साल का छोटा बेटा जो क्लास सेकंड में पढ़ता है उसके उसको भी नाम दर्ज किया गया है। उस संदर्भ में आज कप्तान हड़ताल करके कप्तान साहब से मिले थे कि इसकी निष्पक्ष जांच किया, जो घटना है वो वही उसके वो किया जाए। अगर प्रशासन से सही कार्रवाई नहीं होती फिर आप लोग आने के तो हमारे UP बार काउंसिल का भी आह्वान है प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, उसमें जो 24 तारीख को जो ना स्ट्राइक है बाल काउंसिल के आह्वान पर रहेगी, उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, 30 तारीख को शासन का पुतला फूकेंगे, उसके बाद जो विधानसभा का भी घिराव किया जाएगा फरवरी में। कप्तान साहब से मिले उन्होंने किस तरह का? कप्तान साहब ने निष्पक्ष विवेचना का आश्वासन दिया है, देखते हैं क्या होता है।